सत्ता पक्ष के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके इस बिल को पास कराने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया, जिस अव्यवस्था के बीच में इस बिल को पास करा लिया गया, हाउस ऑर्डर में नहीं था, हम और आप देखते रहे थे टेलीविजन पर कि राज्यसभा किस तरीके से काम कर रहा था और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से कुछ देर तक सचमुच संसद मौन हो गई थी। मैं आपको वो साउंड सुनवा सकता हूँ जब राज्यसभा में ऑडियो ऑफ कर दिया गया हंगामे की वजह से। आप सुन सकते हैं संसद का ये मौन एक या दो मिनट के लिए नहीं था, कई मिनटों के लिए था। संसद में विपक्षी दल के नेता आक्रोशित थे, उत्तेजित थे, नारे लगाए जा रहे थे संसद के भीतर, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति उनकी एक बात नहीं सुनने के लिए तैयार थे। वही उपसभापति जिनको अभी कुछ दिन पहले दोबारा चुना गया है और जब उनको उनके स्वागत में भाषण किया जा रहा था तब विपक्ष के नेता बार बार ये बात कह रहे थे कि सभापति उपसभापति महोदय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भेद नहीं करते हैं, मतभेद नहीं करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। लेकिन आज जो देश को संसद में राज्यसभा में दिखाई दिया, जो सुनाई दिया, जो लोगों ने देखा, वो ऐसा नहीं था जैसा विपक्ष ने कहा। सब कुछ उलट, सब कुछ अव्यवस्थित, सब कुछ हंगामे में डूबा हुआ और शायद विधानसभाओं में भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है जैसी स्थिति आज राज्यसभा में पैदा हुई। कहा यह भी गया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तमाम प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया गया और विपक्ष के एक नेता टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने तो लॉ बुक फाड़ दिया, जो नियमावली, जो नियम, जिस नियम से सांसदों को अपना सवाल पूछने की आज़ादी होती है, जो जिस नियम से सदन चलता है, उस नियम की पुस्तिका फाड़ दी उन्होंने आक्रोश में और विरोध जताने के लिए। तो ये स्थिति बन गई थी आज संसद में, ये एक बड़ा प्रश्न है। विपक्ष चाहता था कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इस पर सभी दलों की राय आ जाए और जो भी संशोधन इसमें सुझाव आते हैं उसके हिसाब से आगे बिल को पास किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार लोकसभा में तो किसी बात के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वहाँ बहुमत था तो सवाल नहीं उठता था, वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस था सरकार को कि वहाँ से बिल पास करा ले जाएंगे। लेकिन राज्यसभा के लिए उन्होंने रणनीति बना ली थी कि विपक्ष की एक नहीं सुनना है, विपक्ष की आवाज़ को कुचल देना है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ का मतलब होता है और इस मतलब को बेमायने किया जा रहा है, इस मतलब को बेमतलब किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये हम सब लोग देख पा रहे हैं। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहना चाहता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न संसद के भीतर न संसद के बाहर।